आज हम बनाएंगे सुपर हेल्दी सुपर टेस्टी ग्रीन मूंग की दाल के उत्पम जो आप सभी को बहुत पसंद आएंगे। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। क्विक एंड सर्व चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इसके लिए हमने एक कप मूंग की छिलके वाली दाल ली है और एक बड़ा चम्मच चावल लिया है। इन दोनों को दो तीन बार धोकर 3-4 घंटे भिगो कर रख देंगे। उसके बाद एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और उसमें दाल डाल देंगे। ध्यान रखिए पानी नहीं होना चाहिए। और थोड़ा सा हरा धनिया, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार और 1 हरी मिर्च बारीक काट के डालेंगे और 1 इंच अदरक का टुकड़ा काट के डालेंगे और 2 बड़े चम्मच दूध की मलाई इसे और हेल्दी बनाने के लिए। और इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। लीजिए हमारा दाल का फाइन पेस्ट तैयार है। अब गैस पर तवा गर्म होने के लिए रखेंगे और उसमें घी या ऑयल से ग्रीस करेंगे और उसके बाद 1 बड़ा चम्मच जो हमने दाल का पेस्ट बनाया था वो अच्छे से फैला लेंगे और उसे टेस्टी बनाने के लिए 1 चीज़ ग्रेट करके डालेंगे। और इसे हेल्दी बनाने के लिए वेजिटेबल आप अपनी पसंद के कोई भी डाल सकते हैं। या हम प्याज बारीक काट के, शिमला मिर्च बारीक काट के और थोड़ा सा टमाटर, और हेल्दी बनाने के लिए पनीर के पीसेस कट करके डालेंगे। और उसे टेस्टी बनाने के लिए थोड़ा सा ऑर्गेनो स्प्रिंकल करेंगे और चिली फ्लेक्स को, और उसको अच्छे से दबा लेंगे जिससे सारी सब्जियाँ अच्छे से चिपक जाएँ। और एक साइड सिकने के बाद दूसरी साइड को टर्न करेंगे और जब दोनों साइड अच्छे से सिक जाए तो इसे गर्मा गर्म किसी भी सॉस के साथ सर्व करेंगे। लीजिए हमारा सुपर हेल्दी सुपर टेस्टी ग्रीन मूंग की दाल का उत्पम बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें और हंसाते रहें।